जो रॉ स्कोर्स को हम कन्वर्ट करते हैं सी स्कोर्स में, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डिराइड स्कोर्स। सी स्कोर्स का मीन होता है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 एंड इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 10, और इसमें टोटल इंटरवल्स जो होते हैं वो होते हैं 11। टी स्कोर्स जो हमने जैसा कि पहले बताया था, टी स्कोर्स आर दोज कन्वर्टेड स्कोर्स ऑफ रॉ स्कोर्स ऑफ विच मीन इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, रेंज ऑफ रॉ स्कोर्स इज डिस्प्लेड ऑन ए 11-point स्केल फ्रॉम 0 to 10। ये जो रेंज ऑफ स्केल से जैसे 1 to 10 तक होगा 10, और उसमें 0 ऐड कर दो तो 11 इंटरवल का स्केल हो गया। अब फार्मूले की हम बात करते हैं। फार्मूला जो कैलकुलेशन ऑफ टी स्कोर है, सी इज इक्वल टू 5 + 2z, वेर सी इज सी स्कोर, जेड इज जेड स्कोर, एंड जेड का फार्मूला हमें पता है, जेड इज इक्वल टू x - m/σ, वेर एज एम एक्स इज रॉ स्कोर, एम इज मीन एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम ये जो है सी स्कोर्स को, अब हम ये डायग्राम के थ्रू भी इसको समझते हैं। इस वीडियो में हम सी स्कोर की जो भी डिटेल है वो सब देखेंगे। सी स्कोर का जैसे कि हमने बताया, मीन 5 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है, रेंज 0 to 10 होता है, टोटल इंटरवल्स होते हैं इसमें 11। 11 इंटरवल्स कैसे, 0 to 10 तक के मार्क्स जो हुए वो 11 हुए, 1 से 10 तक के 10 नंबर, और उसमें हमने 0 को ऐड किया तो हुए 11। 10 तक के जो स्कोर हैं वो ऑर्डर में रहता है स्केल हमारा, उसे हम अरेंज हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स 9 आए हैं और किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 7 आए, तो 9 वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली 7 वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स से, और किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 आए और किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 आए तो ऑब्वियसली जिसके 0 आए उसके मार्क्स कम रहेंगे। ऐसा ही करके हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सी स्केल में हम क्या करते हैं, अभी हमने एनपीसी में जो भी डेविएशन किया था उसके अकॉर्डिंगली सी स्केल में हम अपने पूरे जो भी हमारे स्कोर्स होते हैं उनको 11 इक्वल या 11 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब 11 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ और भी करना होता है, वो हम क्या करते हैं, इसको हम परसेंटेज के बेसिस पर इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कहेंगे हम कैसे करते हैं डिवीजन, इसमें हम मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं। जैसे हम पहले लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट चलते थे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम बीच से शुरुआत करेंगे। बीच का जो हमारा मीन रहता है, जैसे हम आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो 0 है, उसमें उससे 0.25 लेफ्ट साइड का और 0.25 राइट साइड से हम अपना डेविएशन बनाते हैं। माइनस का 0.25 से लेके प्लस 0.25 तक के इंटरवल्स को हमने एक कैटेगरी में रखा, वो होगा हमारा 25%, बीच के 25% हैं इंटरवल्स। 0 से माइनस 0.25 सिग्मा लेफ्ट तक और 0 से प्लस 2.5 सिग्मा राइट तक, यानी कि माइनस 0.25 सिग्मा से प्लस 0.25 सिग्मा को हमने 20% तक मिड में रखा है, एक कैटेगरी में रखे हमने 20%। अब इस लेफ्ट से माइनस 0.2 सिग्मा से लेके हम माइनस 0.75 सिग्मा तक लेंगे, तो और प्लस 0.25 सिग्मा से जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में प्लस 0.75 सिग्मा तक लेंगे। अब इसमें हमने 17% इंडियल्स को दो कैटेगरी में रखा है, अब हमारी 3 कैटेगरीज हो गई हैं। सिमिलरली माइनस 0.75 सिग्मा से लेके माइनस 1.25 सिग्मा तक और प्लस 0.75 सिग्मा से लेके प्लस 1.25 सिग्मा तक हमने 12% की दो और कैटेगरीज बना दी हैं। ऐसे ही करके आगे हमने 7% की भी दो कैटेगरीज बना दी हैं और 3% की भी दो कैटेगरीज बना दी हैं। अब माइनस जो है 1.25 सिग्मा से लेके माइनस 1.75 सिग्मा तक का भी हमने राइट में लिया है और माइनस वन प्लस 1.25 सिग्मा से लेके प्लस 1.75 सिग्मा तक हमने राइट में लिया है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी हमारी वो थी, लास्ट में हमने 3 सिग्मा तक छोड़ दिया है, 1% जो है वो हमने छोड़ दिया है। अब एक बात जो ध्यान देने की यहाँ पर है, वो हम कह रहे हैं कि 1% हमारे यहाँ हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, पर एग्जैक्टली जो 1% हमारे, आप देखेंगे कि दोनों साइड में प्लस 3 सिग्मा और माइनस 1 3 सिग्मा में हम 1% छोड़ दिया है। तो बेसिकली ये
माना जाएगा कि वो हमारे जो माइनस का 0.25 सिग्मा है उससे बिलो माना जाएगा ये, और क्योंकि माइनस थ्री सिग्मा से पहले भी कुछ इंटीजर्स रहते हैं ऐसा माना जाता है, सिमिलरली प्लस थ्री सिग्मा से ऊपर भी कुछ इंटीजर्स रहते हैं, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसलिए 1% बिलो माइनस 2.25 सिग्मा और 1% अबव 2.25 सिग्मा ऑन द राइट साइड, बोथ साइड्स पर हम 1% आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 1% का नंबर है उसे हम 0 देंगे, 3% को हम 1 नंबर देंगे, वो हम आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने रेड से लिखा हुआ है। 1% को हम नंबर 0 देंगे, 3% को 1 देंगे, 7% को 2 देंगे, 12% को 3 देंगे, 17% को 4 देंगे, और बीच का जो है उसे हमने 25% दिया है। इसके बाद जो अबव 5 है नेक्स्ट 17% उसको हम देंगे 6 नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट है अबव उसको 12% उसको हम देंगे 7 नंबर, उसके बाद अबव 20 के बाद जो अबव 17% है उसे हम 6 नंबर देंगे, उसके बाद अबव जो 12% है उसे 7 नंबर देंगे, उसके अबव जो नेक्स्ट 7% है उसे हम 8 नंबर देंगे, उसके अबव जो नेक्स्ट 3% है उसे हम 9 नंबर देंगे, और जो लास्ट में 10% है 1% है उसे हम 1 नंबर देंगे। ये स्कोर्स हम पूरे इंडिविजुअल्स को देंगे, मतलब कि जो हमारे 20% पर लाई कर रहे थे उनको हमने 5 स्कोर दिए हैं, ये तो आपने सेंटर में देख ही लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बिलो 5 लाई कर रहे थे तो उसको हमने 4 दिए, उसके नेक्स्ट बिलो जो 12% लाई कर रहे थे उसको हमने 3 दिए, उसके नेक्स्ट बिलो जो 7% लाई कर रहे थे लेफ्ट साइड में उसे हमने 2 दिए, उसके बिलो नेक्स्ट 3% जो लाई कर रहे हैं उन्हें हमने 1 दिया, और लास्ट में हमने जो 1% कर रहे हैं उन्हें 0 दिया। सिमिलरली सबसे हाईएस्ट वाले को हमने 1% हम देंगे, और लास्ट के जो बिलो है उसे हम जो 1% का लास्ट का बिलो है उसे हम 0 देंगे, और अबव 1% का उसे हम 10 देंगे। इसमें बात जो समझने की है वह यह है कि अभी तक हम जो स्कोर दे रहे थे इंडियल को दे रहे थे, यहाँ हम ग्रुप को स्कोर दे रहे हैं, हर एक इंडियल को स्कोर मिल रहा था, मतलब हर रॉ स्कोर के लिए हमारे पास अलग से एक स्टैंडर्ड स्कोर था। लेकिन सी स्कोर में हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए सेम स्कोर देते हैं, जैसे कि 20% लोगों को हमने एक ही स्कोर दिया 5, ऐसे 12% लोगों को हमने स्कोर दिया 7। यहाँ पर बहुत सारे रॉ स्कोर्स के लिए सेम स्कोर हो सकता है, और लिमिटेशन इसकी ये है कि अभी तक हमने जो आपको समझाया कि ग्राफ के थ्रू भी, कि मतलब ये जो हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये टेबल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जो हमने अभी तक आपको जो समझाया है ग्राफ के थ्रू उसे हम टेबल से भी समझ सकते हैं, और ये आप टेबल देख सकते हैं, जैसे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था 0 to 10 स्केल है, और सब सिग्मा का रेंज और परसेंट दिया हुआ है। अब सिग्मा की जो रेंज जो दे रखी है उसको हम क्या स्कोर देंगे, इसका बेसिकली जो यूज़ है वो हम करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, और जो इसकी आपको हमने बात बताई थी कि लिमिटेशन यही है कि हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मतलब देते हैं एक ही स्कोर, और यहाँ पर बहुत सारे रॉ स्कोर्स के लिए सेम स्कोर हो सकता है। आई थिंक ये डायग्राम बहुत यूजफुल होगा, और टेबल से भी आपको सी स्कोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यूटिलिटी ऑफ सी स्कोर्स इन एजुकेशन, द यूज़ ऑफ सी स्कोर इज़ मोर यूजफुल देन द यूज़ ऑफ जेड स्कोर्स एंड टी स्कोर्स। जो एजुकेशन की फील्ड है शिक्षा शास्त्र, इसमें जो सी स्कोर्स का यूज़ है ये ज़्यादा होता है जेड स्कोर और टी स्कोर की तुलना में। सी स्कोर की एक डीमेरिट या लिमिटेशन भी होती है, वो ये होती है कि सी स्कोर हैज़ द डीमेरिट ऑफ अवॉर्डिंग जीरो स्कोर, इसमें क्योंकि जीरो स्कोर दिया जाता है, जबकि हम ये किसी को जीरो स्कोर नहीं देना चाहिए, ऐसा काफ़ी शिक्षा शास्त्रियों का मानना है और एक्सपर्ट्स का भी। ऑल्सो देयर कम्स मच डिफरेंस इन परसेंटेज इफ़ सी स्कोर गिव्स अप गोज अप एंड डाउन बाई इवन 1 point। सी स्कोर में अगर एक और पर पॉइंट का भी प्लस या माइनस होता है तो इससे में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है परसेंटेज में, ये भी इसकी डीमेरिट है। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसे समझते हैं। कैलकुलेट सी स्कोर इफ जेड इज इक्वल टू 2 इज गिवन। हमें सी स्कोर कैलकुलेट करना है अगर जेड की वैल्यू 2 दी गई है। फार्मूला टू कैलकुलेट सी स्कोर, हमें पता है कि सी इज इक्वल टू 5 + 2 जेड, जेड इज 2 इज गिवन, तो 5 + 2 × 2 इज 5 + 4 इज इक्वल टू 9, एंड वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। अब हम ये देखते हैं कि अगर जेड की वैल्यू 2 दी गई है तो हमें पता है कि जो 2 वैल्यू है वो प्लस 1.75 सिग्मा से प्लस 2.25 सिग्मा के बीच में लाई करती है, तो प्लस 2 भी उसी में के बीच अंदर आएगा, तो वो उसके अंदर आता है 9।
सी स्कोर, तो सी की वैल्यू 9 हुई। तो ये हम डायग्राम या ग्राफ से भी डायरेक्टली कलेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सी की वैल्यू। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें कैलकुलेट द सी स्कोर इफ जेड इज इक्वल टू -2 इज गिवन। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि +2 दिया था जेड, अब -2 दिया है, तो सी का फॉर्मूला हमें पता है, सी इज इक्वल टू 5 + 2 जेड, तो 5 + 2 × -2 इज इक्वल टू 5 - 4 = 1, तो 1 आ गया सी स्कोर अगर जेड -2 है। तो ये भी हम डायरेक्टली डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब जेड की वैल्यू -2 है तो हम देखते हैं कि ये भी -1.75 सिग्मा से -2.25 सिग्मा के बीच में लाई करेगी -2 जो जेड की वैल्यू दी गई है, तो उसका जो स्कोर आता है वो आता है 1। हेंस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।